गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज हमारे पास है टेंडा की तरफ से आने वाला टेंडा AC8 ड्यूअल बैंड वायरलेस राउटर। तो आज करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या मिलते हैं हमें बॉक्स कंटेंट और कैसे ये काम करता है और क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस कुछ इस तरह का आपको बॉक्स मिलता है टेंडा के मॉडल नंबर AC8 का। यहाँ पर सामने से लिखा हुआ इसकी 3 ईयर्स वारंटी मिलती है। इससे एक ड्यूअल बैंड राउटर है, मतलब ये 2.4 GHz और 5 GHz पे काम करता है। और यहाँ पे इसके कुछ USPs दिए हुए हैं। ये 4K अल्ट्रा HD जो स्ट्रीमिंग होती है गेमिंग वगैरह, अगर आपको स्ट्रीम करना है तो ये राउटर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। स्मूथ इंटरनेट एक्सेस है इसमें, अप टू 1000 MBPS का बैंडविड्थ एक्सेस कर सकते हैं इससे आपको। इसमें आपको 1 GHz का CPU मिलता है जो कि काफ़ी पावरफुल है। इसमें स्मार्ट ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन हुआ है जिसकी मदद से होगा है कि आपके आसपास बहुत सारे राउटर्स होते हैं और आपके भी राउटर को काफी ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं तो जो ट्रैफिक होता है वो स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट करता है 2.4 GHz और 5 GHz में। इसके साथ इसमें आपको 4 6 dBi एंटीनाज मिलते हैं। जो 6 dBi एंटीनाज होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, ज़्यादा रेंज तक वो काम करते हैं। इसमें गीगाबिट पोर्ट है, आपको ऐप मैनेजमेंट है, इसका एक स्पेशल ऐप आता है जिसमें से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके साथ इसमें आपको IPv6 का सपोर्ट मिलता है। इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसके कुछ फीचर दिए हुए हैं कि इसमें आपको एक वैन पोर्ट और 3 LAN पोर्ट मिलते हैं, 2 dual band स्पीड्स है इसमें, 0.4 GHz और 5 GHz, 4 आपको 6 dBi एंटीनाज मिलते हैं। इसमें आपको वाईफाई शेड्यूल का सपोर्ट मिलता है, जब ऑन ऑफ करना हो तो आप उसे ऐप में से कंट्रोल कर सकते हो। इसी के साथ इस ऐप में आपको क्लाइंट फिल्टर और पैरेंटल कंट्रोल मिलता है जिसकी मदद से आप जो डिवाइसेस होते कनेक्टेड उसे आप ब्लैक लिस्ट और व्हाइट लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी कंटेंट पैकेजिंग दिए हुए, यहाँ पर आपको 3 राउटर का डिफरेंस वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि अप टू 25-35 क्लाइंट्स इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी मैंने ट्राई किया हुआ है इसका बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करके, तो उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती। राउटर का जो फिजिकल ओवरव्यू है वो यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पे जो लिखा है वॉल किलर, तो सही में ये एकदम वॉल किलर राउटर है। कितने भी बीच में वॉल होने दो, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। तो यहाँ पर भी इसके कुछ फीचर दिए हुए, तो जल्दी से हम बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। पैकेजिंग के मामले में पैकेजिंग उतनी अच्छी नहीं है, टेंडा को कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूव करना चाहिए। और ये हमारा मेन राउटर, इसे रखते हैं साइड में। इसी के साथ हमें इसके अंदर मिलता है इंस्टॉलेशन गाइड और कुछ पेपर वर्क, और ये इसका कनेक्टर जिसे हमें इसे पावर देना होगा। इसी के साथ एक लैन केबल इन केस आपको लैपटॉप वगैरह को कनेक्ट करना होगा उस लिए, तो इसे रखते हैं साइड में। और ये हमारा मेन राउट कुछ इस तरह से आता है, एक बैटमैन के शेप में आता है, कुछ उसी तरह का दिखता है आपको एकदम ब्लैक कलर में। इसी के साथ इसमें आपको 4 6 dBi के एंटीनाज मिलते हैं जिसके ऊपर भी टेंडा का ब्रांडिंग दिया हुआ है चारों एंटीनाज के ऊपर। नीचे की साइड से आपको इसकी मॉडल की इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है। पीछे की साइड से आपको WPS और रीसेट बटन, 3 LAN पोर्ट्स और एक वैन पोर्ट और एक पावर केबल सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर सामने से आपको टेंडा की ब्रांडिंग मिलती है और यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर मिलता है। सो ये राउटर आपको Amazon पे 2300 या 2400 में आराम से मिल जाएगा। इसका बेस्ट बाय लिंक आपको हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिजाइन के मामले में तो ये राउटर काफी ज्यादा एकदम देखने में कमाल लगता है, एकदम बैटमैन शेप में आता है। तो अगर आप इसे टेबल टॉप करते या वॉल पे इसे हैंग करते तो देखने में तो ये काफी ज्यादा कमाल लगने वाला है। इसके बाद में इसकी बात करते कि कैसे ये काम करता है, तो मैं इसे 5 से 6 दिन से एज अ प्राइमरी राउटर यूज कर रहा हूँ। मेरा राउटर निकल के मैंने ये राउटर लगाया था, तो यूज करने में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो सेटअप करना इसे काफी ज्यादा आसान है, 1 मिनट में आप इसे सेटअप कर सकते हो। सिंपली जो आपका इंटरनेट केबल होता है वो इसे प्लग इन कर दो, राउटर चालू कर दो और बाद में आपके जो फोन में इसका नेटवर्क आ जाएगा। सिंपली इसका ऐप डाउनलोड कीजिए टेंडा का, जो आपको प्ले स्टोर पे ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पर आपको जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनसे आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड लेना पड़ेगा, वो इसमें डालें और सेव करते ही आराम से आपका राउटर विद इन 1 मिनट आपका राउटर काम करना शुरू हो जाएगा। तो यूज करने के मामले में तो ये काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद में इसके अंदर आपको 1 GHz का गीगाबिट CPU मिलता है जो कि काफी ज्यादा फास्ट काम करता है और जिसकी मदद से जो आपको ट्रैफिक होता है जो आपके राउटर पे आता है वो आराम से मैनेज कर सकता है। इसी के साथ कंपनी ने कहा है इसमें आपको स्मार्ट ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन मिलता है जिसकी मदद से वो डिवाइसेस होते हैं वो स्मार्टली प्रायोरिटाइज होते हैं, मतलब कौन सा डिवाइस 2.4 GHz पे चलना चाहिए, कौन सा डिवाइस 5 GHz पे चलना चाहिए, ये स्मार्टली वो प्रायोरिटाइज करता है। इसी के साथ इसमें आपको IPv6 का सपोर्ट मिलता है। इसकी मदद से होता है कि जो IP एड्रेस होते हैं वो रैंडमली असाइन होते हैं ऑपरेटर की मदद से, और जिसकी वजह से जो ट्रोजन अटैक्स होते हैं मतलब हैकर्स वगैरह आपके राउटर को हैक नहीं कर सकते और जो आपके डिवाइस वगैरह जो उस वाईफाई को कनेक्टेड है वो काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं।
इसके बाद में इसका जो ऐप है टेंडा का वो काफी ज्यादा यूजफुल है, जिसकी मदद से आप जब कनेक्टेड होते हो वाईफाई से, बाद में उसके अंदर आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको पैरेंटल कंट्रोल, ब्लैकलिस्ट वगैरह फीचर्स मिलते हैं। मतलब आपके जो यूजर्स कनेक्टेड है वो आपको ऐप में दिखाता है, जिसकी मदद से होता है कि आप कौन से यूजर को कितना स्पीड असाइन करना है वो भी आप सेट कर सकते हैं, किस यूजर को कितना बैंडविड्थ सेट करना है और कौन से यूजर को आपको किकआउट करना है वाईफाई से वो भी आप उस ऐप में से सेट कर सकते हैं। तो कंपनी बताती है कि इसका जो नेटवर्क एरिया है वो 90 मीटर स्क्वायर का है। मतलब अगर आपका एक अपार्टमेंट है 4 to 5 BHK या 3 to 4 BHK या आपका 2 फ्लोर का घर है तो आप इसे आराम से यूज कर सकते हैं, या एक ऑफिस का जो क्यूबिकल्स होता है उसमें भी आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसका जो बॉक्स पे लिखा हुआ वॉल ब्रेकर, तो सही में वॉल ब्रेकर की तरह काम करता है। मतलब जो बीच में बहुत ज़्यादा वॉल्स आती है जिससे राउटर्स को फर्क पड़ता है उनकी रेंज में, तो इसको कुछ ये राउटर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बीच में कितने भी वॉल आने दो इसके जो रेंज होती है उसमें कुछ भी फर्क पड़ता नहीं है। सो गाइस अब आते हैं मेन कंक्लूजन पे, आपको ये राउटर लेना चाहिए या नहीं। तो डेफिनेटली अगर आपको एक राउटर चाहिए स्ट्रीमिंग के लिए, फैमिली यूज के लिए, और अगर आप नियर अबाउट 2 to 3,000 में कोई राउटर ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस राउटर को कंसिडर कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, ये एक राउटर है, ये मॉडेम नहीं है। तो अगर आपका ADSL कनेक्शन है जैसे कि BSNL वगैरह का होता है तो आपको एक मॉडेम लगाना पड़ेगा बीच में, बाद में ही आप इसे यूज कर सकते हैं। ये एक मॉडेम नहीं है, ये एक ओनली राउटर है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, एंड दिस इज योर फ्रेंड शिवम साइनिंग आउट।